चलो अपना रूम दिखाते हैं। आप भले हो जाओगे ना तो देखना, ये अपना रूम है, ये देखो रूम नंबर 303। अंदर चले? अरे हंस रहे हो, अंदर चले। ठीक है, ये आपकी हॉस्पिटल का थर्ड फ्लोर है। यहाँ आपका पानी गर्म होता था दूध पीने का, और ये सामने लिफ्ट थी, नीचे हम लोग आए थे ओटी से। ये देखो, ये अपना रूम था, हम इस रूम में 4 डेज रहे थे। ये देखो, छोटू सा फ्रिज और वो वॉशरूम। भैया छू नहीं। गुड मॉर्निंग, आज है 28 नवंबर। मैंने सोचा जल्दी से इसको कैप्चर कर लिया जाए। आज मेरा डिस्चार्ज है हॉस्पिटल से। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि हमारी लाइफ में अब ये जो फेज़ है, ये पीरियड है, बेटू जाते हैं, ये दोबारा नहीं आएगा। जैसे ध्रुव के टाइम पे प्रेगनेंसी स्पेशल थी, वैसे ही ये भी है, क्योंकि ये लास्ट है। हमें पता है अब इसके बाद ये मौका नहीं जीने को मिलेगा। हॉस्पिटल, इतनी केयर, एक्सपेक्टेशंस, क्या होगा क्या नहीं, ऐसा रूम, झूला बगल में, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े। तो ये मेरी लाइफ का लास्ट एक पीरियड था जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने जिया। मैंने कोशिश की मैं इसको कैप्चर करूं, आप सबके साथ बांटूं। ध्रुव के टाइम ही नहीं कर पाई थी। मैं एक बार आपको ये रूम टूर करवा दूं। ये मेरा बेड था बेटू, अगर आप बड़े हो गए और आप देखोगे इस बेड में मम्मा थी। वो आपका झूला था, सामने टीवी था, और वो सामने अटेंडर के लिए बिस्तर था, तो चेयर था। तो ये सब बेटा आपके लिए, आपकी मेमोरी के लिए है, आप देखना इसको। और जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हो, आप सब अपने प्रेगनेंसी पीरियड को एंजॉय करो, अपने पार्टनर को बहुत पैम्पर करो, क्योंकि ये ना बहुत स्पेशल मोमेंट होता है जो कोई फील नहीं कर पाता। या तो आप करोगे या तो आपका पार्टनर करेगा। और बस अब मैं आज घर चली जाऊंगी, मेरा बेटा पहली बार अपने घर जाएगा। ध्रुव स्कूल गए हैं बहुत एक्साइटेड होके कि आज जब मैं आऊंगा तो बेबी घर में मिलेगा। मैं इनको थोड़ा सा देखूं, ये रोने लग गए हैं, उठ गए हैं। बेटा जी, आप सब विश करिए कि मैं जल्दी रिकवर हूँ। देखिए, आज मेरा ये 3रा दिन है और मैं खुद से वॉक कर रही हूँ। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। मदर बहुत स्ट्रांग होती हैं, वो आप देख सकते हो। मैंने अकेले अपनी प्रेगनेंसी जी है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अकेले अपनी डिलीवरी जी है, और अब अकेले ही हम अपने बच्चे का ब्रिंगिंग करेंगे। फिर से जाग गया ये। गुड मॉर्निंग, आज है 28 नवंबर और आज है इस हॉस्पिटल से मेरे डिस्चार्ज का दिन। आज मैं डिस्चार्ज हो रही हूँ और थोड़ा सा ना मैं सोच रही हूँ, देखो लाइफ में क्या क्या फेजेस आते हैं, और कोई कोई ऐसी अपने ज़िंदगी के साथ घटने वाला प्रोसेस होता है जो दोबारा नहीं मिलता। मेरा जब ध्रुव था उसके बाद ये प्लान तो था कि दूसरा बच्चा करना है, तो ये पता था कि ये पीरियड में दोबारा जीऊँगी। लेकिन अब ये भी पता है कि इस बच्चे के बाद फैमिली कंप्लीट हो गई है और ये पीरियड दोबारा जीने को नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ इस तरह से रूम में रहना, और पास में झूला, बच्चा, और मेडिकल प्रोसेस से गुजरना, और दुनिया भर की एडवाइस सुनना। सॉरी पीछे नॉइज आ रहा है, कुछ हो रहा है हॉस्पिटल में ही, कुछ हो रहा है। तो ये ना दोबारा नहीं मिलेगा। कल मैं अपने हस्बैंड से भी ये डिस्कशन कर रही थी कि अब तभी मिलेगा जब हम सास ससुर बन जाएंगे और उनके बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, तभी ये सब फील कर पाऊँगी। फिर भी खुद माँ बनना और ये सब जीना, इस पीरियड को जीना, ये अब हमारी लाइफ का ये एक आखिरी मौका है, और इसको बहुत अच्छे से जीना है, बहुत हिम्मत से जीना है, क्योंकि दो दो बच्चों को संभालना है, उनकी रूटीन संभालनी है।
तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो रही थी, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और ये मेरी मेमोरी में सेव रहेगा, रूम नंबर 303 जब मेरा छोटा बेटा मुझे मिला। और आप सब की ब्लेसिंग्स मिली जो यहाँ अकेले दिल्ली में अकेले मैंने ये इतने खुशी खुशी ये टाइम फेस कर लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा आने वाले थे, लेकिन मायके में कुछ मिस हैपनिंग हो गई, ऑन टाइम उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि डेथ हो गई। और डेथ हो जाती है तो 10 दिन के लिए वहाँ अशुद्ध हुआ, जिसकी वजह से वो बेबी के बर्थ जैसा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते, वो यहाँ नहीं आ पाए। तो वो मम्मी मेरी बहुत गिल्टी फील कर रही थी, रो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। और यही तो करेज है यार, यही तो करेज है। मतलब हम क्यों पढ़े लिखे हैं, हम क्यों अपने आप को संभाल सकते हैं? हमारे माता पिता ने हमें इतना बनाया है करेजियस कि हम कर सकते हैं ये सब। और अगर कर सकते हैं तो क्यों किसी को परेशान करना। तो बस आप सबकी दुआओं से ये सब टाइम कट गया। और आज बस नीचे अब है डिस्चार्ज पेपर बनवा रहे हैं, वहाँ सब समरी रेडी हो रही है। और बेटू की स्पॉन्जिंग हो गई है, मेरी गोद में सोए हुए हैं और मेरी स्पॉन्जिंग होने वाली है। और लगभग 12 बजे हम यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे, उसके बाद घर में मिलते हैं। और मैं आपको अपना रूम टूर करा दूँ। ये देखिए, ऐसा रूम था मेरा, ऐसा 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 मेरा रूम था, ये बेड। और अब मेरे साथ तो ये अब हो चुका और अब मेरे बेटे के बेटों के साथ होगा, तब देखेंगे जब मैं दादी बन जाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, मुझे देखते रहिए।